भारत में 100% लोगों में से हाँ। कितने लोग अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी लड़की को देखते हैं, सवाल नहीं है। भाई मैं तो उन आदमी को अप्रिशिएट ही नहीं करती जो अपनी बीवी को नहीं देखते, जो अपनी का नहीं हुआ वो दूसरी का क्या होगा। मैं सामने वाली पड़ोसन को देखता था पिछले 4 दिन से ना, इसको देख रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ अपनी बीवी अपनी होती है भाई। किसका देखते हो आप ये भर जाता है। बात करिए आपने, बाल देखा करो भाई, बाल बस बाल। नहीं इन्होंने पड़ोसन वाले कौन सी बात करी, नहीं पड़ोसन ये बोला कि मेरी पड़ोसन बाल लगवाना चाहते, लगवा ले क्या। अरे मैं बाल देखता था जब से इसने निशा दीदी से बाल लगवाया था। भाई ऐसा आप क्या बोले, ऐसे क्यों बोले आप। हमें दीदी को नहीं बोला ये वाली बात क्या, कि जब से बाल लगे तब से मैं इसे देखता हूँ वरना पड़ोसन को देखता था। अरे तो मजाक कर दे, क्या होगा इसमें तेरे को। इस बात में कौन सा मजाक, नहीं पसंद नहीं है भाई, मैं बिल्कुल पसंद उल्टा बोलेगा तो। जैसे बाहर के मर्द ज्यादातर अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी लड़की को देखते हैं। देखो भाई मुझे ऐसा लगता है जब आपको खीर खानी है तो अपने घर में बना लो, बाहर के दूसरे घर की खीर क्यों खा रहे हो। नूर आपका योगा हो गया तो ये बताओ मम्मी के बाल कैसे लग रहे हैं। अच्छे अच्छे से बताओ, मम्मी के लंबे लंबे बाल अच्छे, छोटे छोटे बाल अच्छे, लंबे लंबे बाल, उनसे ज्यादा लंबे बाल। सो ये दीपिका के बाल है। दीपिका कैसा रहा तुम्हारा गोवा का टूर। मतलब मैं सच बताऊं आपको दीदी, इतने सुंदर बाल आपने, मैं इतने बंदे ना ऐसे बोलते थे मेरे को, पजल करते थे कि भाई एक्सटेंशन लगवाने से तो सर भारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट सीरियसली ऑनेस्टली भाई मैं तो ऐसे नहीं हटाने वाली दीदी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है। और बिल्कुल देखो मैं किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, बट मेरा सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ ये चीज मैंने दीदी से एक्सपीरियंस किया है कि अगर बाल लगवाने हैं ना तो निशा लंबा ही लगा सकती है भाई, बाल इतने तगड़े हैं अब तो मुझे टचवुड फील भी नहीं होता। एक या दो दिन तो फील होता है, उसके बाद फील वो क्या है वो टाइट अभी जस्ट लगे है ना। हाँ। मुझे फर्स्ट डे हुआ बट उस दिन भी मुझे शौक इतना था कि मुझे वो भी फील नहीं हो रहा था, और अब तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं दीदी, ये तो ऐसे कैसे खुल कैसे जाते हैं, ये सेट हो जाते हैं आपके बालों के साथ पता नहीं चलता है, थोड़े दिन के बाद बिल्कुल ब्लेंडेड हो जाते हैं भाई। और आपको कैसी फीलिंग आ रही है। मैं सही बताऊं दीदी, मैं सामने वाली पड़ोसन को देखता था पिछले 4 दिन से ना, इसको देख रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ अपनी बीवी अपनी होती है भाई, 10 आएंगी जाएंगी मैं पहले पहले बोल रही अपनी अपनी है भाई, और कोई किसका देखते हो आप ये भर जाता है। बात करिए आपने, क्या मतलब बाल देखा करो भाई, बाल बस बाल। नहीं इन्होंने पड़ोसन वाले कौन सी बात करी, नहीं पड़ोसन ये बोला कि मेरी पड़ोसन बाल लगवाना चाहते, लगवा ले क्या। अरे मैं के बाल देखता था जब से इसने निशा दीदी से बाल लगवाया। भाई ऐसा आप क्या बोले, ऐसे क्यों बोले आप, सॉरी क्या भाई? नहीं नहीं सॉरी, गलती से निकल गया। क्या मैं पागल हूँ यहाँ पे, क्या हो गया। आपने क्या बोला दीदी को, क्या हमने दीदी को नहीं बोला ये वाली बात क्या, कि जब से बाल लगे तब से मैं इसे देखता हूँ वरना पड़ोसन को देखता था। अरे तो मजाक कर दे, क्या होगा इसमें तेरे को। इस बात में कौन सा मजाक, नहीं पसंद नहीं है भाई, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी दीपिका क्या उल्टा बोलेगा तो। दीपिका दीपिका है दीदी, अभी बोलो इसकी साइड दे रहे हो यार ये। भाई मैं औरतों की तरफ हूँ, सॉरी मैं दल बदलू। ये क्या तरीका हो गया अपनी वाइफ से ऐसे बोल रहे हैं भाई, तो मतलब आज मैंने बाल लगाए और कल मैं बाल ना लगा पाऊँ तो। अच्छा दीदी चलो दिल की एक बात पूछूं आपसे, मैं भारत में 100% लोगों में से हाँ। कितने लोग अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी लड़की को देखते हैं, सवाल नहीं है। भाई मैं तो उन आदमी को अप्रिशिएट ही नहीं करती जो अपनी बीवी को नहीं देखते, जो अपनी का नहीं हुआ वो दूसरी का क्या होगा। अपनी का बन के रहो, अपनी को अगर लंबे बाल है तो अपनी को लंबे बाल लगाओ, अपनी पे साड़ी पसंद हो तो साड़ी बनाओ, अपनी पे मिनी स्कर्ट पसंद हो तो अपनी वाली को बनाओ। और अगर बाहर वाले लोगों को घर में रह के भी बाहर वाली देखने का इतना शौक है ना, क्यों उसने अच्छे अच्छे बाल, राम भूमि में रहते हो राम बन के रहो, ये हैं आओ ना बाल लगवाओ, क्या करवाना है तुम्हें, करते हैं भाई सैलून में इसलिए बैठे हैं वो। और क्वालिटी कैसी लगी आप। मैं कह रही हूँ बिल्कुल कोई भी अब तक मॉम्स वेरिस है कोई नहीं पकड़ पाया कि मेरे बाल है अपने कहाँ है और आपके कहाँ है, ये चीज की गारंटीड, मतलब सीरियसली मैं किसी को ऐसे रिकमेंड भी ना करूँ, क्योंकि अगर अपना नुकसान करके आप किसी और का भी नुकसान करते हो ना तो उसमें सबसे बड़ा पाप ही हमें लगता है। लेकिन सीरियसली गाइस आप खुद देख सकते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि निशा दीदी इतने तगड़े बाल एक्सटेंशन आपके हैं, आप पकड़ लो कि टच करने से भी फील हो रहा है। हाँ, मुझे तो आपको तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बाहर वालों को भी 1% नहीं होता और तगड़ा है। दीदी एक छोटी सी बात, जैसे बाहर के मर्द ज्यादातर अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी लड़कियों को देखते हैं, सुनो तो सही मैटर, तो सुनो आपके पास लड़की आ जाएंगी, उनकी बीवी आ जाएंगी तो अपनी बीवी को देखा करेंगे फिर तो। देखो भाई मुझे ऐसा लगता है जब आपको खीर खानी है तो अपने घर में बना लो, बाहर के दूसरे घर की खीर क्यों खा रहे हो।
सही बात, अपने घर वाली को जैसी आपको पसंद है, बाहर वाली मिनी स्कर्ट भी पसंद है। मेरे को ऐसा लगता है आपके पास आने के बाद उन सबकी बीवियां बहुत सुंदर हो जाएंगी। थैंक यू। चाहे वो फेस की बात हो, चाहे वो हेयर की बात हो, चाहे कुछ भी हो, बस शुक्रिया भाई। एक ही नाम निशा लांबा पूरे भारत में, बॉलीवुड में भी एक ही नाम चलता है निशा लांबा। माता रानी आप लोगों का भी राम सुनने में आया एक बड़ी बात, क्या जून में करीना कपूर आ रही है आपके पास? मैं कह रही हूँ अपने आप आना पड़ता है, हर बंदे को आना पड़ता है, इतने तगड़े बाल लगा दिए भाई। करीना कपूर से ज्यादा सुंदर मेरी बहन खड़ी मेरे बगल में। और क्या सावन दीदी तो आए थे आपके पास? हाँ। हैं? कितने बड़े हैं? आपकी मम्मी की ज्यादा सुंदर है। ओए हो दीदी, आपके भी इतने बड़े बाल हैं यार। और क्या सनी, बालों को लेके लड़कियां इतनी वो रहती है ना आजकल, ना बाल ही नहीं बचे दीदी, बाकी सब है लेकिन बाल नहीं है। दुनिया में आए हो आप, हर चीज एंजॉय करनी चाहिए, हर चीज खानी चाहिए, हर मस्ती करनी चाहिए। नहीं दीदी, आपके कॉन्टेक्ट इतने बड़े लेवल पे बॉलीवुड तक कैसे पहुंचे थे, मतलब ये मेहनत करके या फिर? भाई मेहनत करके ही आपके साथ, ये शुरू से लिंक थे आपके बॉलीवुड तक? मेरे कोई लिंक नहीं कहीं पे भी, मैं तो लोगों को जानती हूँ, मेरे पास आते उनको काम अच्छा लगता है वो आ जाते। अच्छा जी, नहीं दीदी के पास स्कैनिंग मशीन भी है, जैसे मुंह के अंदर भी कुछ होता है ना इन साइड ऑफ द स्किन बताते हैं, जैसे नॉर्मली लोग आपका फेस ऊपर से देखते हैं ना, ऊपर ऊपर से डस्ट और डेड स्किन होती है, स्किन अंदर से होती है भाई। आपका एपिडर्मिक्स, डर्मिक्स एंड हाइपोडर्मिक्स सारी लेयर पे काम करते हैं। कई लोगों को लगता है कि पिगमेंटेशन की लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को लगता है पिगमेंटेशन ऊपर से पील ऑफ करो पिगमेंटेशन हट जाएगी, पिगमेंटेशन ऊपर नहीं होती भाई, आपकी एपिडर्मिक्स की लोअर लाइन में होती है, मिलेनियम डार्क होते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। का भी है, व्हाइटनिंग का भी है, सारे। अच्छा सर, मतलब जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं सारे ट्रीटमेंट आपके पास? जो साइंस अलाउड करती है वो सारे हैं। वाह जी वाह, है ना दीदी, मेरी बात तो सुनो, सुनो सुनो दीदी। पड़ोसन वाले नाम मत, नहीं पड़ोसन नहीं, परसों मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, एक लड़की थी बहुत सुंदर कर रखी थी आपने, वो दीपिका? नहीं नहीं, वो दीपिका नहीं दीदी, फेस पे आपने क्या करा था जल्दी बताओ? फेशियल किया था भाई। वो दीदी लड़की कहाँ रहती है? ग्लास स्किन फेशियल, मैं आपको बता दूंगी ना, फिर भूत बना दूंगी आप। अरे मेरा दोस्त पूछ रहा था गुड़िया, मेरा दोस्त पूछ रहा था यार, दोस्त की ज्यादा इंटरेस्ट आता है आपको? आपका दोस्त भी मैरिड ही होगा, कोई 16 साल का लड़का नहीं है। अगर इनको अब मैं सुंदर लग रही हूँ, आपको भावना दूं मैं तो? नहीं नहीं, ऐसा देखो टिट फॉर टैट हो सकता है भाई, गलत बात। औरतें बस आदमियों को ज्यादा समझ रही है ना, तो ज्यादा वो कर रहे हैं, यहाँ पे हवा में उड़ रहे हैं। फर्क काट दूंगी आपके मैं, समझ आ गई? पंजाबी में बोलूंगी वैसे ही ला दूंगी आप। पंजाबी में ही बोलते, पंजाबी में बोलते, मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, क्या बोला है? हाँ। मैं सीख चुका हूँ मैं, थोड़े पर कटौंदी कहने हमें, कटौंदी कटूंदी नहीं, तेरे पर कट छड़ने हैं मैं, जेडे पर नहीं इन खंभ कहते हैं पंजाबी, है ना? भाई भाई देखो, आप दूसरी लड़की को ना देख के ना दीपिका के पीछे ऐसे ऐसे करो, देखो मुझे तो कितना आनंद आ रहा है, बस इसी पे तो चलते रहो ऐसे। हाय हाय, कति करीना कपूर तो आपके घर में है, कहाँ देखता तुम? दीदी दीदी जब करीना कपूर आएगी मिलवा देना, रिक्वेस्ट है। पक्का भाई, पक्का फोटो करा दोगी? दोस्तों द्वारका में एक ही बड़ा नाम निशा लांबा, इनसे बड़ा कोई नाम नहीं है पूरे भारत देश के अंदर, बॉलीवुड में छाई हुई है सारी सारी सेलिब्रिटी इनके पास आती है, इनका सलून इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा है कि आप नीचे गाड़ियां लगाते थक जाओगे, इनके सलून में भीड़ नहीं होगी, मतलब लोग कंजेस्टेड नहीं। हाँ वही वही वही, इंग्लिश इंग्लिश में थोड़ा वीक हो दीदी मैं, ना भाई हम हिंदी में भी पूरे वीक है। अच्छा। लेकिन दीदी आपने ना में वीक नहीं है, नहीं आपने बाल इतने सुंदर करे ना, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है दीदी जैसा, कोई नहीं दीदी, हमारी तहलका दीदी, मैं कह रहा हूँ दीदी लव यू यार, लव यू भाई, लव यू दीपिका, और स्क्रीनशॉट लेके आना मेरे भाई के वीडियो का, दीपिका वाले बाल कमेंट करो, आग लगा दो बस। नहीं स्क्रीनशॉट तो लेकर आएंगे, डिस्काउंट दोगे उनको फिर? हाँ, कितना देना आप बताओ? 20% दे दो। बस स्क्रीनशॉट इस वीडियो का होना चाहिए। पक्का दोस्तों 20% का डिस्काउंट मिल गया तहलका भाई की तरफ से, स्क्रीनशॉट लेकर आओ, दीदी को दिखाओ और डिस्काउंट ले जाओ, बहुत तगड़ा तहलका। और दीपिका की वीडियो के साथ ड्यूट करना, सेम बाल लगवा के। ओ तेरी। और गाइस मैं सीरियसली आपको रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आपको एक्सटेंशन कराने का मन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ निशा लांबा दीदी के पास आना है, क्योंकि इनसे बेस्ट हेयर की क्वालिटी कोई दे नहीं सकता और कोई लगा नहीं सकता, मैं सच बता रही हूँ। और मैं इतनी हैप्पी हूँ अभी, चल बाल नहीं टूटा तुम्हारा? नहीं निकला भी नहीं। बाल लगा तो मेरे से लगवाओ, मैं बाल लगवाओ तो निशा से लगवाओ, नहीं निशा लांबा से लगवाओ, निशा लांबा से। दीदी आपने अपने नाम को ब्रांड बना दिया यार, भाई नाम के इतना बड़ा ब्रांड बना दिया ना दीदी, भाई ऑलरेडी ब्रांड है वो, सब बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, सबने लगवाए हेयर एक्सटेंशन, और दीदी सही मैं कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है ना, तो मैं तभी तो आई हूँ कि भाई निशा लांबा ही हेयर लगा सकती है, हेयर में तगड़ी अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ निशा लांबा दीदी, और आज से इनका नाम तहलका महमूद लो भाई। दीदी जो करीना कपूर आ रही है, फेशियल करवाने आ रही है या फिर क्या करवाने आ रही है भाई? अच्छा जी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ करीना कपूर कौन है, एक बंगाल की लड़की है, दीदी की दोस्त है, उसका नाम करीना कपूर है, वो दीदी के पास आ रही है। तो भाई करीना कपूर
कोई भी हो सकती है। राइट, ये याद रखना, अगर करीना कपूर ने एक बार एक्सटेंशन लगवा लिया ना तो वो कहीं जा नहीं सकती, इसकी गारंटी मैं देती हूं आपको। इतने तगड़े, मेरी बीवी इतनी सुंदर बना दी ना आपने, चार दिन से देख रहा हूँ। बीवी बहुत सुंदर है भाई। नहीं बना दी थी, कुछ ना थी, कुछ ना थी वो, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। ऐसा पंगा ना लो, ये वीडियो को सेव करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जिसको भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है कमेंट कर देना, मेरी टीम आपकी कमेंट को रिप्लाई देगी, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट दे देना और मेरे पास सेंड कर देना। और किसी अननोन नंबर पे पेमेंट करने से पहले मेक श्योर कि आप द्वारका सेक्टर 18 में आए, नियर मेट्रो स्टेशन 13, मैं यहाँ मिलूंगी। और हम लोग इस वीडियो के स्क्रीनशॉट को देने वाले को 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। और तहलका मचाने की बारी, अब आप दोस्तों, निशा लामा सैलून पे आज तक मोटा डिस्काउंट नहीं मिला था, लेकिन आपका तहलका भाई आ गया है मोटा डिस्काउंट लेकर, तहलका डिस्काउंट लेकर। यहाँ पे आ जाओ, तहलका मचा दो। निशा लामा एक ही बड़ा नाम द्वारका के अंदर, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। बॉलीवुड और हॉलीवुड, निशा लामा, निशा लामा, निशा लामा की जय भाई साहब। ठीक है दीदी, लव यू, बाय बाय। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर मारना, और प्यारी प्यारी लड़कियों, सुंदर सुंदर लड़कियों, आ जाओ यहाँ पर, और आपके तहलका भाई, सॉरी आपके लिए मैं तहलका भाई नहीं हूँ, तहलका भाई हो, जो भाई बोल दिया तो भाई हो। हाँ अब मेरी तहलका, ठीक है यहाँ पर आ जाओ, तहलका मैंने नहीं बोल रहे हो। दोस्तों मेरी बहन का इंस्टा हैंडल नीचे आ रहा, मेरी बहन का पहले अपने काम देखना ना, ये है कौन, जो मतलब वैसे तो दुनिया जानती है। आप लोगों को तहलका भाई से मिलाऊंगी, मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, जो वैसे तो दुनिया जानती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते ना, जो महिला नहीं जानती, नीचे इंस्टा आईडी मेरी बहन की आ रही है, एक बार देख लो, इनका लेवल पता लग जाएगा ये कौन है। 3 मिलियन फॉलोअर्स ना कमाने में, मैं कह रही हूँ जान निकल जाती है बंदे की। 3 मिलियन बंदे अगर उनको फॉलो कर रहे हैं ना, तो भाई जान है तभी फॉलो। निशा लामा जैसा कोई नहीं, मेरी बीवी जैसा कोई नहीं, मैं तो अपनी पड़ोसन को ही देखूंगा। सॉरी नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बीवी को ही देखूंगा। पड़ोसन को जो देखते हैं ना, वो हमेशा नरक में जाते हैं। अगर पड़ोसन को कुछ अच्छा लगता है तो बीवी का करवा दो। और मेरी वीडियो जो देख रहे हैं और वो सच में पड़ोसन को देखते हैं तो नहीं नहीं दीदी, एक सेकंड, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और सच में पड़ोसन को देखते हैं डेली सुबह उठ के शाम को 8 बजे, कब वो आ रही है, कब वो जा रही है, लेकिन जब वो अपनी बीवी को यहाँ पे निशा लामा के पास ले आएंगे तो सिर्फ अपनी बीवी को देखेंगे। वो पड़ोसन की बालों की फोटो ले लेना, मैं वैसी बीवी, उससे भी सुंदर बीवी दिखाऊंगी आपको। वाइफ की हेयर में प्रॉब्लम हो भी गई है ना, तो कमाओ ना, लगाओ बीवी पे। और जो औरतें अपने पति से चिड़के बैठी है कि ये मेरा बंदा, ये मेरा मर्द, लड़कियों को देखता है, फटाफट से छुपके से निशा लामा के पास आ जाओ, और रात को पति को भी ना पता चले कुछ लगवाया। हाँ पति बोले नहीं, पति जैसे उस बीवी का नाम होगा ना नेहा, तो पति बोले हाय जानवी कैसी लग रही है, चाटा बड़े खैच के, अबे मैं तेरी बीवी हूँ, निशा लामा के पास से होकर आई हूँ। मेरे बाल नहीं, यहाँ पे क्या पहचाना नहीं था मुझे पीछे से। तो दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर मारना, तहलका बताता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा, निशा लामा, निशा लामा, निशा लामा, एक ही नाम। आई लव यू, थैंक यू। और ये कमेंट कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो माई टीम कॉल करेगी, और वरना नंबर भी दे रहे, इस नंबर पे व्हाट्सअप मार दो, हम लोग बस दीपिका के बालों की स्क्रीनशॉट दे दो कि देखो बाल, या ऐसे बाल चाहिए। ओए होए, हाय मेरी जान, सुंदर सुंदर पूरा करते हो वैसे मजा। हाँ घर में माता रानी ऐसी प्यार बना के रखे आप दोनों को, प्यार मेरे मेरे मेरा भाई और भाभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे प्यार बना के। द्वारका आना है, निशा लामा दीदी के पास आना है, और डिस्काउंट लेके जाना है, तहलका भाई का स्क्रीनशॉट दिखाकर। स्क्रीनशॉट में दूंगी। हाँ लंबे लंबे बाल हो जाएंगे, छोटे छोटे बाल लेकर आओ, तहलका मचा के जाओ। सही है, फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है ये, तहलका मचाए।